Hello students, this is Sapna Agrawal. Welcome to Mature. In this video session, we will start our new chapter, chapter number 4, Agriculture and Major Crops. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर क्या होता है और मेजर क्रॉप्स कौन सी होती है। चैप्टर शुरू करने से पहले हम इसका प्रीव्यू पढ़ेंगे, जैसा कि हम हर चैप्टर में पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ आर कंट्री। एग्रीकल्चर अपनी कंट्री का मेन ऑक्यूपेशन है। इट मीन्स टिलिंग ऑफ द सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक। और इसका मतलब क्या आता है, खेतों को जोतना, फसलें उगाना और पशुपालन करना। प्लांट स्पीशीज दैट हैव बीन सेलेक्टेड बाय ह्यूमंस टू बी कल्टीवेटेड फॉर देयर यूज आर कॉल्ड क्रॉप्स। प्लांट्स की वो प्रजातियां जो कि अपने लिए ह्यूमंस की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ग्रो की जाती हैं, उगाई जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, फसलें, क्रॉप्स कहलाती हैं। लाइव स्टॉक आर द एनिमल्स दैट आर रेयर्ड एंड आर यूजफुल टू ह्यूमंस। और ये जो पशुपालन है, लाइव स्टॉक ऑफ एनिमल्स यानी लाइव स्टॉक, ये लाइव स्टॉक क्या है, पशुपालन है, जो कि ह्यूमंस के लिए यूजफुल है। कैसे यूजफुल है, क्योंकि एनिमल्स से मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, वूल मिलती है और बहुत सारी चीज़ें इनसे मिलती है, तो ये भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट होता है। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसके सब टॉपिक्स और टॉपिक्स कौन कौन से हैं, वो इस तरह से हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। प्लांट से स्टार्ट किया हमने एग्रीकल्चर, पौधे लगाए और वहाँ से प्रोडक्ट तैयार होगा, क्योंकि हम प्लांट तो खाएंगे नहीं, प्लांट से कुछ प्रोडक्ट तैयार होगा, उस प्लांट से कुछ क्रॉप ग्रो होगी और क्रॉप ग्रो करके कुछ हम प्रोडक्ट बनाएंगे, वो प्रोडक्ट मार्केट तक आएगा। तो इस सारे प्रोसेस में बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं, कितने तरह की होती हैं, वो इस टॉपिक में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना एग्रीकल्चर, व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जो ये खेती होती है, फार्मिंग होती है, वो कितने तरह की होती है, कौन कौन से टाइप्स है उसकी, वो पढ़ेंगे। क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया, इंडिया में फसलें क्रॉप्स ग्रो करने के लिए कौन कौन से सीज़न होते हैं, कौन कौन से सीज़न में कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं, वो इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा अपने मेजर क्रॉप्स, ना केवल इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे कि मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी होती है और कहाँ पे कौन सी क्रॉप होती है। नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट किस प्रकार हो रहा है या हुआ था या होगा, और इसमें एग्रीकल्चर इन इंडिया, इंडिया में किस तरह का एग्रीकल्चर है, वो पढ़ेंगे। और लास्ट में एक केस स्टडी के साथ हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जैसा कि हमें हर एक चैप्टर में करते आए। तो स्टार्ट करें अपना चैप्टर, लेट्स मूव। बिफोर स्टडिंग अबाउट एग्रीकल्चर इन डिटेल, एग्रीकल्चर को डिटेल में पढ़ने से पहले इट इज़ एसेंशियल टू नो अबाउट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। उससे पहले क्या ज़रूरी है कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में जानेंगे, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट अपना, कोई भी फसल हमने ग्रो की, उसके बाद कोई प्रोडक्ट तैयार हुआ, वो मार्केट में आया और हम तक पहुंचा, तो ये पूरा प्रोसेस है। इसके बीच में कितनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं और कितने तरह की हैं, ये इसमें पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, There are three types of economic activities. तीन तरह की होती हैं ये economic activities. They are primary activities, secondary activities and third one is tertiary activities. ठीक है, तो primary activities कौन सी होती हैं? Primary activities include all those activities connected with extraction and production of natural resources like forestry, agriculture, माइनिंग, क्वेरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग
एक्सेट्रा. तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़, उनमें क्या होता है प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, जो कि एक्सट्रैक्ट की जाती है, मीन्स मिनरल से रिलेटेड हो सकती हैं या फिर जितने भी अपने नेचुरल सोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में होती है. इसमें ये अपने एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, लाइव स्टॉक रेयरिंग मीन्स पशुपालन है, ये सारी जो एक्टिविटीज़ है वो किस में आएंगी, ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आएंगी. मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जो नेचर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, नेचुरल रिसोर्स से संबंधित, और ये अपने जो इसके काम है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, इससे रिलेटेड जो भी काम है लाइक माइनिंग का है, क्वेरिंग का है, वो सभी इसमें प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आती है. नेक्स्ट, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कनेक्टेड विद द प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग. जैसे हमने कोई फसल उगाई वीट की, वीट की क्रॉप ग्रो की, अब क्रॉप ग्रो हुई, हमें वीट मिल गया, अब वीट से हमें ब्रेड बनानी है, तो अब इसकी क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी. प्रोसेसिंग वाली जो एक्टिविटीज़ है वो एक सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होगी. तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या आ रहा है, कनेक्टेड विद प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग. प्रोसेसिंग और क्या बन रहा है मैन्युफैक्चरर, वो सारी इसके अंदर जो एक्टिविटीज़ होती है वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है. मींस वीट ग्रो किया, वीट ग्रो करने के बाद हमने जो ब्रेड बनाई है, ये सारी एक्टिविटीज़ है. वीट ग्रो करने की एक्टिविटी प्राइमरी एक्टिविटी है, वीट ग्रो करने के बाद हमने ब्रेड जो बनाई है वो अपनी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हो गई. दे गेट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर्स. तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के लिए जो प्राइमरी रॉ मटेरियल लेते हैं वो किस सेक्टर का होता है, प्राइमरी सेक्टर का होता है. एंड प्रोड्यूस यूजफुल एंड वैल्यूबल प्रोडक्ट, और उससे यूजफुल और वैल्यूबल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं. जैसे कि वीट से हमने ब्रेड बनाई, वीट से हमने बिस्किट्स बनाए, ये अपनी जो प्रोसेसिंग का काम है वो सेकेंडरी एक्टिविटी में होगा. एंड थर्ड वन इज़ टर्शरी एक्टिविटीज़. टर्शरी सेक्टर प्रोवाइड सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स थ्रू सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, एडवर्टीजमेंट, टूरिज्म, हेल्थ एक्सेट्रा. जो टर्शरी एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती हैं, उनके लिए काम करती है. जैसे कि हमारी जो ब्रेड तैयार हो गई, वीट ग्रो किया हमने, ब्रेड बनाया, अब ब्रेड का वहाँ पे क्या करना है, उसको ट्रांसपोर्ट के थ्रू मार्केट तक लाया जाएगा, उसके लिए एडवर्टीजमेंट भी तैयार होंगे, उसके लिए हमें लोन वगैरह भी चाहिए होंगे कंपनी को, तो बैंकिंग का काम भी होगा. तो ये सारे काम जो है प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए जो अपनी सर्विसेज देने का जो काम है वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, वो टर्शरी एक्टिविटीज़ होती है. तो टर्शरी एक्टिविटीज़ में क्या क्या इंक्लूड होता है, ट्रांसपोर्ट, एडवर्टीजमेंट, बैंकिंग, हेल्थ, टूरिज्म, ये सभी कुछ टर्शरी एक्टिविटीज़ में, मीन्स टर्शरी एक्टिविटीज़ में सर्विसेज इंक्लूड होती है. तो अंडरस्टूड ऑल द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से कनेक्टेड होती हैं, माइनिंग से कनेक्टेड होती हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो प्रोसेसिंग से और मैन्युफैक्चरिंग से, एंड थर्ड वन इज़ रिलेटेड टू सर्विसेज जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स के लिए सर्विसेज देती है. अंडरस्टूड ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर, ये जैसा कि नाम से पता लग रहा है, ये एग्रीकल्चर जो वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है. एग्री का मीन्स होता है अगर, यानी सॉइल, और कल्चर मीन्स कृषि करना. तो एग्रीकल्चर मीन्स जो खेत जोत करके कुछ ग्रो करने का काम है वो एग्रीकल्चर कहलाता है. अंडरस्टूड, एग्रीकल्चर इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटी. प्राइमरी एक्टिविटी ये क्यों है, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज से की जा रही है. लाइक इसमें सॉइल का यूज़ किया जा रहा है, सनलाइट का यूज़ किया जा रहा है, वाटर का यूज़ किया जा रहा है, तो ये सब चीज़ें क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं. तो इनसे जो काम किया जा रहा है वो प्राइमरी एक्टिविटी होती है. तो इसलिए सो दैट्स व्हाई एग्रीकल्चर इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटी. एग्रीकल्चर मीन्स द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द लैंड फॉर कल्टिवेशन ऑफ
क्रॉप्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। तो एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है कि क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए लैंड को प्रिपेयर करना और रेयरिंग लाइव स्टॉक पशुपालन यानी पशुपालन करना, ये सब क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है। एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग के लिए लैंड को तैयार करना, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए लैंड को तैयार करना और रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक पशुपालन करना एग्रीकल्चर कहलाता है। द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्टेड लॉन्ग बैक इन अबाउट 10,000 BC। ये जो एग्रीकल्चर का काम है बहुत टाइम पहले, करीब 10,000 वर्ष पहले, बिफोर क्राइसिस BC, बिफोर 10,000 BC यानी करीब 10,000 वर्ष पहले, बिफोर क्राइसिस 10,000 वर्ष पहले, व्हेन ह्यूमंस स्टार्टेड टू ग्रो सम प्लांट्स, जब ह्यूमंस ने कुछ प्लांट्स ग्रो करना सीखा था, एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, और एनिमल्स रखने शुरू किए थे जो जिससे कि उनकी बेसिक नीड्स फुलफिल होती थी। एग्रीकल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग, एग्रीकल्चर को फार्मिंग भी कहा जाता है। दस रेफर्स मेनली टू टिलिंग द फील्ड, टिलिंग ऑफ फील्ड्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, मतलब बेसिकली हमें क्रॉप्स ग्रो करने के लिए क्या करने होते हैं, खेत जोतने का काम होता है, ये फार्मिंग या एग्रीकल्चर भी कहलाता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स, इस एग्रीकल्चर में ही क्या क्या इंक्लूड होता है, ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स फ्लावर्स, इनको यदि कमर्शियली ग्रो किया जाए तो इनकी जो फार्मिंग है वो क्या कहलाती है, हॉर्टिकल्चर कहलाती है। एंड रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक एंड इवन फिश जो करने, मछली पालन का जो काम होता है ये क्या कहलाता है, पिसिकल्चर। सिल्क वॉर्म, इनका पालन करना सेरिकल्चर, एंड हनी बीज को पालन करना किसके लिए करते हैं, हनी बनाने के लिए, ये एपिकल्चर कहलाता है। और भी इसमें बहुत सारे हैं, जैसे ग्रेप्स ग्रो किए जाते हैं वो कहलाता है पिसिकल्चर, और मशरूम्स को ग्रो किया जाता है वो कहलाता है फंगीकल्चर। तो इस तरह से अलग अलग इनके नाम दिए गए। ग्रेप्स फार्मिंग इज विटीकल्चर, पिसिकल्चर इज फिश फार्मिंग, अंडरस्टूड। एग्रीकल्चर इज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन फॉर पीपल इन इंडिया, ये अपना एक तरह से मेन ऑक्यूपेशन होता है इंडिया में लोगों का। एट प्रेजेंट ए लार्ज परसेंटेज ऑफ द पीपल लिव इन विलेजेस, काफ़ी सारे लोग अपने विलेजेस में रहते हैं। लार्ज परसेंटेज ऑफ पीपल एंड आर एंगेज इन एग्रीकल्चर, और किस में एंगेज हैं, वो एग्रीकल्चर में एंगेज हैं। द लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड, और जिस पे क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं उस लैंड को क्या कहा जाता है, एरेबल लैंड। अंडरस्टूड व्हाट इज एग्रीकल्चर। आर नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं। सबसे फर्स्ट जो होता है वो होता है लेबर, इसमें काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, ये लोग जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं। लेबर, कैपिटल एंड मार्केट आर द मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन होता है उसमें ये मेन तीन चीज़ें जो हैं वो हैं लेबर, कैपिटल एंड मार्केट, जो कि मेजर फैक्टर्स हैं। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेबर। लेबर क्या होती है, जो अपने एग्रीकल्चर में काम करने वाले लोग होते हैं। लेबर इज रिक्वायर्ड इन ऑल फार्मिंग टाइप्स इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमंस और मशीन्स और बोथ टू डू ऑल द वर्क, सभी काम को करने के लिए लेबर की जरूरत है। किसी भी तरह की फार्मिंग ले लो आप,
हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, पिस्सीकल्चर, विटीकल्चर, फंगीकल्चर, एग्रीकल्चर, सभी में किसकी? लोगों की ज़रूरत होगी, मशीन्स की ज़रूरत होगी, और हो सकता है दोनों की ज़रूरत हो, लोगों की भी हो सकती है और मशीन्स की भी ज़रूरत हो सकती है। सम क्रॉप्स रिक्वायर्ड मोर लेबर वाइल सम लेस। अब कई क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनमें बहुत सारी लेबर की ज़रूरत होती है, जैसे कि राइस, उसमें बहुत लेबर की ज़रूरत होती है, और कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनमें बहुत कम लेबर की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, राइस कल्टिवेशन रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ वर्कर्स वाइल शीप रेयरिंग रिक्वायर्स लेस लेबर। जैसे कि राइस कल्टिवेशन करना है, अपने को राइस ग्रो करना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है, और जबकि शीप रेयरिंग यानी भेड़ पालन का काम करना है तो उसमें बहुत कम लेबर से ही काम, एक और दो लोग लेबर से ही काम चल जाता है, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से जो लेबर डिपेंड करती है कि किस तरह का कल्टीवेशन हमें करना है। लेबर के साथ साथ अपने को मशीन्स भी चाहिए होती हैं, या फिर दोनों चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। नेक्स्ट फैक्टर है कैपिटल। व्हाट इज़ कैपिटल? कैपिटल इज़ ए मनी, मनी जो उसमें इन्वेस्ट की गई है, उसमें खर्च की गई है। मनी रिक्वायर्स टू बाय सीड्स। अब मनी किस लिए एग्रीकल्चर में ज़रूरत होती है? सीड्स को ख़रीदने के लिए, फर्टिलाइजर्स यानी जो खाद है, मैन्योर है, कंपोस्ट वगैरह है, ये सब क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स। मशीन्स, उनके लिए मशीन्स ख़रीदनी है, पेस्टिसाइड्स ख़रीदने हैं यानी बहुत सारे तरह के कीटनाशक भी डाले जाते हैं, एज वेल एज द टू पे द वेजेस, जो अपनी लेबर लगाई है उनको वेजेस पे करने हैं, उसके लिए भी कैपिटल की ज़रूरत होती है, तो उसमें कैपिटल भी लगाया जाता है। जब लेबर भी लगा दी है हमने, कैपिटल भी लगा दिए है, अपनी क्रॉप्स भी ग्रो हो गई, तो अब उसके लिए ज़रूरत पड़ती है अपने को मार्केट की, क्योंकि बिना मार्केट के क्रॉप्स ग्रो करके क्या करना है, तो मार्केट भी चाहिए होगा। इट रिक्वायर कस्टमर हु बाय एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब आपको खरीदार, बायर चाहिएगा जो हमने प्रोड्यूस किया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो किया। फार्मर्स नीड टू सेल देयर क्रॉप्स एंड एनिमल्स। अब फार्मर्स को अपनी क्रॉप्स बेचने के लिए और एनिमल्स के लिए मार्केट चाहिए होता है। बिसाइड्स फॉर सम पेरिशेबल फूड प्रोडक्ट्स, पेरिशेबल फूड प्रोडक्ट्स यानी कि जो जल्दी ख़राब होने वाले फूड प्रोडक्ट्स हैं, सच एज डेयरी प्रोडक्ट। जैसे जल्दी ख़राब होने वाले प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मीट है, ये सब क्या है? पेरिशेबल फूड आइटम्स हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव ए मार्केट क्लोज टू द एरियाज प्रोड्यूसिंग दैम। अब इसके लिए मार्केट कहाँ चाहिए? जहाँ पर कि ये प्रोड्यूस किया जा रहा है, वो ग्रो किया जा रहा है या बनाया जा रहा है, वहाँ पर उसके पास ही मार्केट चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि हमने अपने एनिमल्स को यहाँ रखे हैं इंडिया में और इनका जो मिल्क है यानी इनकी जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो जाके कहाँ USA में सेल कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि पेरिशेबल प्रोडक्ट्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इनके लिए मार्केट वहीं चाहिए होता है जहाँ की ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है क्लाइमेट। ये बहुत मेन फैक्टर है, क्योंकि क्रॉप्स के लिए क्लाइमेट बहुत इफेक्टिव होता है, कि क्लाइमेट अच्छा है तो अपनी क्रॉप्स अच्छी होंगी, और क्लाइमेट अच्छा नहीं रहा तो अपनी क्रॉप्स अच्छी नहीं हो सकती। द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस पर्टिकुलरली टेम्परेचर एंड रेनफॉल इन्फ्लुएंस क्रॉप कल्टीवेशन। क्लाइमेट बहुत इफेक्ट करता है, और इस क्लाइमेट में भी सबसे ज़्यादा है टेम्परेचर और रेनफॉल। फॉर एग्जाम्पल, ट्रॉपिकल क्रॉप्स लाइक राइस एंड शुगर कैन रिक्वायर higher temperature and wheat requires moderate temperature. अब जैसे कि इनको शुगर कैन है, राइस है, इनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, और जबकि वीट को मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है। सेम वीट, राइस हम ग्रो कर रहे हैं, इसके लिए रेन भी अच्छी चाहिए, क्योंकि इसके लिए पानी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है, जबकि दूसरी फसलों के लिए इतनी पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। मीन्स रेनफॉल और टेम्परेचर मेन फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट क्लाइमेट में हम बात करें तो रेनफॉल, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन्फ्लुएंस क्रॉप कल्टीवेशन। ये क्रॉप कल्टीवेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, बिकॉज डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर। अलग अलग क्रॉप्स जो है अलग अलग तरह की
रिक्वायरमेंट होती है उनकी पानी की, जैसे कि राइस रिक्वायर्स मोर वाटर देन ज्वार एंड बाजरा, राइस को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, और जबकि ज्वार और बाजरा है इनको ये कम पानी में ही ग्रो हो जाते हैं। तो राजस्थान में जहाँ पानी कम है वहाँ पे ज्वार और बाजरा होता है, और जहाँ पानी की बहुत आयत है लाइक आसाम वगैरह में है या यूपी उत्तर प्रदेश में है तो वहाँ पे राइस ग्रो होता है। फेवरेबल टोपोग्राफी एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, लैंड कैसा है और सॉइल की फर्टिलिटी कैसी है ये भी अफेक्ट करती है अपने एग्रीकल्चर को। दीज आर ऑल्सो वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ये भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है अपने एग्रीकल्चर में। प्लेन्स विद फर्टाइल एरिया एंड रिवर डेल्टास आर मोस्ट सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए जो प्लेन्स वाले एरिया हैं और रिवर डेल्टास ये सूटेबल होते हैं, क्योंकि यहाँ की जो सॉइल होती है वो कैसी होती है, फर्टाइल सॉइल होती है। अब जब फर्टाइल सॉइल होती है तो क्रॉप्स अच्छी ग्रो होती हैं। टी कैन बी ग्रोज ऑन द माउंटेन स्लोप्स वेयर टेरेस फार्मिंग इज ऑल्सो पॉसिबल, जैसे टी ग्रो करनी है तो उसके लिए किस तरह का लैंड चाहिए, माउंटेन स्लोप्स पे अच्छी ग्रो हो जाती है क्योंकि इसके लिए टेरेस फार्मिंग चाहिए होती है, और टेरेस फार्मिंग माउंटेन स्लोप जो होते हैं उन पर अच्छी होती है टेरेस फार्मिंग। तो इसलिए इसमें टोपोग्राफी और फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है ये भी मेजर अफेक्टिंग मेजर फैक्टर होते हैं जो कि अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। ये सब चीज़ें थी अपने फैक्टर्स जो कि प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में बात करें तो कितने तरह की फार्मिंग हम कर सकते हैं। बेसिकली जो फार्मिंग के टाइप्स हैं वो होते हैं टू टाइप्स में है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड दूसरा है कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो कि सिर्फ अपने लिए की जाए, और कमर्शियल फार्मिंग जो कि मार्केट में सेल करने के लिए किए जाते हैं। इनके भी अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होती है दो तरह की है, इंटेंसिव फार्मिंग और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फिर दो तरह की होती है। इसी तरह कमर्शियल फार्मिंग जो है उसके भी अलग अलग टाइप्स हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो स्टूडेंट्स आपने समझा कि जो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो थ्री टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज़। फिर व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या होता है, कौन कौन से एग्रीकल्चर के ये पार्ट्स हैं, जैसे सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर एंड फंगीकल्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा फैक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अपने एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं। इसमें क्लाइमेट है, मनी है, कैपिटल है, मार्केट है, लेबर है, रेनफॉल, फेवरेबल टोपोग्राफी एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ऑल दीज आर द फैक्टर्स विच जो कि किसको अफेक्ट करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको ये सब समझ में आया होगा। कीप लर्निंग, मीट विद नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।